आइए प्लीज। सर, ये है सीतापुर की विधायक मिसेस पूनम गर्ग। नमस्ते। नमस्ते। आइए पूनम जी, बैठिए। सीतापुर में सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? दरअसल एक म्युनिसिपल स्कूल के बारे में हम आपसे बात करने आए थे। सर, ये फाइल में सारी डिटेल्स है। सीतापुर में अच्छे स्कूल की बहुत जरूरत है और अगर सही मायने में हमें डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले शिक्षा के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आप बिल्कुल सही कर रही और इस काम के लिए आपको हमारे मंत्रालय से जो भी हेल्प चाहिए जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हमें स्कूल के लिए 1 एकड़ जमीन चाहिए। जमीन? जहाँ तक मुझे याद है 6 साल पहले सीतापुर को स्कूल के लिए जमीन सैंक्शन हो चुकी है। सॉरी सर, लेकिन इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। जरा रिकॉर्ड में चेक करो। जी। हाँ सर, जमीन अलॉट हुई है। सर, जमीन अलॉट हुई है तो फिर जमीन गई कहाँ? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं सीतापुर में सिर्फ एक ही सरकारी स्कूल है, वो भी 2 कमरों की, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड पर है। ऐसे कैसे हो सकता? तो क्या आप हमें उस लैंड की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? एड्रेस, वो लैंड किसके नाम पर है, कुछ भी? सॉरी पूनम जी, इतनी डिटेल तो हमारे पास भी नहीं, लेकिन दिस इज ए वेरी सीरियस मैटर। मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, एक जरूरी कॉन्फ्रेंस है। आने के बाद इस मैटर पर हम जरूर बात करें। थैंक यू सर, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वेलकम। नमस्ते सर। मैडम, जमीन अलॉट किए हुए 6 साल हो गए। आज की तारीख में उस जमीन के बारे में कुछ भी पता लगाना मतलब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना। और वो लोग इतने आलसी और कामचोर होते हैं कि कुछ भी फौरन नहीं बताएंगे। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची मैडम। मेरी मानिए, अब कोशिश करना बेकार है। छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। जब तक सीतापुर के स्कूल के लिए हम कुछ कर नहीं लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें सीतापुर नगर निगम ऑफिस जाना है अभी। 5 विधायक साहिबा, आप भी गड़े मुर्दे उठा रही है। 2008 की फाइल 2014 में आप देख रही है ना, हमारे पास कितना सारा काम पड़ा है। अब तो कैसे ढूंढेंगे हम इस फाइल को, है? और कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है हमारे पास। वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि आप कितना काम करते हैं। यहाँ बैठकर पंखे की हवा खाने और महीने के अंत में अपनी सैलरी कलेक्ट करने के अलावा आप लोग करते हैं क्या है? हमें सीतापुर स्कूल लैंड अलॉटमेंट 2008 की फाइल चाहिए बस। अब आप हमें बताइए वो फाइल हमें कब मिलेगा? बस 2-3 दिन में मिल जाएगा। कल के कल हमें ये फाइल मिल जानी चाहिए, वरना हम खुद यहाँ आकर फाइल ढूंढेंगे और फिर उसका नतीजा आप घर बैठ के सोचते रहिएगा। समझ गए आप? ठीक है, मैं निकलवा के रखता हूँ, आप कल आ जाइएगा। ऐसी खतरनाक औरत तो हमने आज तक नहीं देखी है। बेटा लाल, वो जो मांगती है दे दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। ए दुलारे, क्या हुआ साहब? देखो, एक फाइल है 2008 की, सीतापुर के स्कूल की जमीन की फाइल है। क्या ढूंढो? ठीक है साहब, ठीक है। ना पुराना फाइल ढूंढने का काम दे दिया साहब ने हमको। हाँ हेलो, 2008 के सीतापुर पाठशाला अलॉटमेंट की फाइल मिली? हाँ मिली। वो फाइल किसी के हाथ नहीं जानी चाहिए। वो फाइल हमारे साहब ने ढूंढने के लिए कहा था। तेरे साहब को भी वो फाइल नहीं मिलनी चाहिए। उस फाइल को जलाकर राख कर दे, वरना नगर निगम के दफ्तर और तेरे घर के बीच जो 2 किलोमीटर का सुनसान रेलवे ट्रैक का रास्ता है, वहाँ तेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, समझा? उस हादसे में तेरी मौत भी हो सकती है। हेलो, सोच, जब फोन पे मेरी धमकी सुन के ही गिर गया, अगर फाइल बाहर गई तो क्या होगा? मैडम, आपने एकदम सही रुख अपनाया। अब देखिएगा कैसे वो कल के कल ही आपको फाइल ढूंढ कर देगा। मैडम, मिस्टर एंड मिसेस कुमार अपनी समस्या लेकर आए हैं। काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते, आइए बैठिए। बताइए क्या बात है? मैडम, हमने अपने घर में एक किराएदार रखा हुआ है। अभी ना तो वो किराया दे रहा है और ना ही घर खाली कर रहा है। कहता है कि ये घर उनका है। वो हमारे घर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। मैडम, इसके लिए तो आपको थाने जाना चाहिए, वहाँ जाकर कंप्लेन लिखवाइए। पर पुलिस हमारी रिपोर्ट लिखने के बजाय धमका रही है कि वो हमारे बाप की नौकर रही। मैडम, भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए और हमारा घर हमें दिलवा दीजिए। उस किराएदार की पहुंच ऊपर तक है। वो तो उल्टे हमें ही धमकी दे रहा है कि हम चुपचाप अपने घर को भूल जाएं। थाने में जाकर आपने किससे बात की थी? जी, वो सब इंस्पेक्टर कुशवाहा से। अच्छा, और आपने अपना घर पिछले कितने महीनों से किराए पर दिया है? 8 महीने से, और पिछले 4 महीनों से तो उन्होंने कोई किराया का 1 पैसा तक नहीं दिया। किस एरिया में आपका घर? जी, नई बस्ती में। नई बस्ती पुलिस थाने में फोन लगाओ। जी मैम। हेलो। हेलो, मिस्टर त्यागी से बात कराइए। यस मैडम, इंस्पेक्टर त्यागी लाइन। हेलो मिस्टर त्यागी, हम एमएलए मिसेस पूनम गर्ग बोल रहे हैं। यस मैडम। ये सब क्या चल रहा है आपके थाने में? आम जनता अपनी शिकायत लेकर आपके थाने में पहुंचती है और आपके लोग शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है। अरे ऐसी पुलिस क्या सुरक्षा करेगी? हमें तो लगता है कि हमें एक नई फोर्स हायर कर लेनी चाहिए पुलिस से सुरक्षा के लिए। किसी के घर पे कब्जा कर लिया जाता है और वो आपके थाने में रिपोर्ट लिखाने आते हैं, तो आपके सब इंस्पेक्टर मिस्टर कुशवाहा उन्हें डरा धमकाकर वहां से भगा देते हैं। अगर आज के आज उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हमें आपके थाने का चार्ज ले लेना होगा। अपने स्टाफ की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ मैडम। प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए और वो मकान मालिक को फौरन यहाँ भेज दीजिए। मैं अभी कंप्लेन लिखवाता हूँ और जितनी जल्दी हो सकेगा उन्हें उनका मकान वापस मिल जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और मैं अभी कुशवाहा के खिलाफ एक्शन लेता हूँ। ठीक है। आप लोग थाने जाइए और वहां जाकर एफआईआर दर्ज करवाइए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। नमस्ते। धन्यवाद मैडम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।